मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू प्रिया बलदेव। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि अब आप देख रहे हैं यार, पूरा घर उथल पुथल हो रखा है। सब जगह बस पैकिंग 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 चल रही है। बहुत हद तक कर ली है, अभी और करनी है, फिर अभी सारा शिफ्टिंग करना है। तो पता नहीं यार कैसे होगा। बस आप लोग बने रहिएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसे ही होता है। यार बहुत अपसेटिंग है, बट करना पड़ेगा लोगों। मैं आप लोगों को अभी घर का एक वो देती हूँ। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने ना सारा ऑलमोस्ट सामान अब जो है वो बड़े बड़े बैग्स में ना पैक कर लिया है। अब बस क्या करना है, अब शिफ्टिंग होनी है कि इधर से सामान उधर लेके जाना है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो थी, कई चीज़ें तो हमने जैसे कपड़े वगैरह आपको बताया था, रात को ही आपने देखा था जैसे लास्ट व्लॉग में हमने पैक कर लिए थे। बाकी बचा हुआ सामान भी हम लोगों ने ना ऑलमोस्ट, यार हम लोग सुबह से स्टार्ट हुए और करते करते हमको दोपहर के एक दो बज गए थे यार ये पूरा शिफ्टिंग कर, मतलब सामान करने में। तो यहाँ पे मंदिर का भी मैंने अब सामान साथ साथ में पैक करना स्टार्ट कर दिया था, और यही सोचा था कि थोड़ा थोड़ा करके सामान ले जाना स्टार्ट करें ताकि पता तो चले, क्योंकि सब जगह इतना सामान फैला हुआ था ना कि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या है। एटलीस्ट जितना सामान निकलेगा थोड़ा खाली होगी, स्पेस बनेगी, तो पता भी चलेगा यार कि कहाँ कहाँ पे और क्या क्या करना। अभी तो सारा भरा हुआ है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा थोड़ा सा निकालना शुरू करते हैं ताकि पता चले कहाँ पे क्या करना है। और यहाँ पे हमारी तुलसी माता को भी हमने रख लिया है, क्योंकि हमारा यही था सबसे पहले तुलसी माता को ही हम लेके जाएंगे, और सबसे पहले उन्हीं को हम वहाँ पे रखेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप किसी नए घर में जाते हैं या नई जगह शिफ्ट होते हैं तो पहले तुलसी माता को लेके जाना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा वाकई में होता है, या अगर शिफ्ट कर रहे हो तो क्या करना चाहिए सबसे पहले, वो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि शिफ्टिंग तो हमारी लाइफ में चलती रहती है, आगे हमारे ज़रूर लाइफ में काम आएगा। तो बस यहाँ पर वही सब सोचा जा रहा है कि कौन सा सामान पहले लेके जाएँ, कौन सा बाद में लेके जाएँ। बस ऐसे रखना, फटेंगे भी। एक एक जो पहने हैं, रुको मजीद ये वाली रख दे, ये वाली रख दे, वो बाथरूम वाली दे रही वो भी रख दे, ये डाल दो ना ऐसे, वो बॉक्स पड़ा है वो डाल दो, भर भर लो। पॉइंटेड है ना इसको उठाने में, ये तो पहला जो फेरा है कार का वो चला गया है, मतलब स्टार्ट हो गया है जाना। बहुत घबराहट हो रही है यार, बहुत घबराहट हो रही है, मतलब अभी यहाँ से करना फिर वहाँ जाके सेटल करना है यार। दो दिन तक बहुत परेशानी रहती है, दो दिन बाद नॉर्मल हो जाता है, बट दो दिन तो बहुत बुरी हालत होती है यार। बहुत मुश्किल होता है यार रेंट के घर में, यहाँ से वहाँ करना यार बहुत बहुत मुश्किल है। पहला तो फेरा हो गया, अभी देखो वो लोडिंग वाले ऑटो वाले को करना पड़ेगा कि वो भी आ जाए सामान जो बड़ा बड़ा है, फिर वो लेके जाएगा। गुरुजी सब सही कर देना बस यार, आराम से सब चीज़ हो जाए, बहुत टेंशन हो जाती है यार बहुत ज़्यादा। चलो देखते हैं अभी यार, अभी और पैक करती हूँ थोड़ा सा सामान, फिर अभी आएंगे का राउंड ले लेंगे।
तो पता है बुखार बुखार सा लगने लग गया, अजीब सा होने लग गया एकदम। सब मैंने अपने लिए एक चाय बनाई है, कब चाय पीऊँगी मेरे को पता नहीं, कि अचानक से ऐसे बुखार बुखार होता है ना अंदर से, वो वाली फीलिंग आने लग गई है, बहुत बुरी हालत हो गई है। आप बस चाय बनाइए, चाय पीऊँगी एक कप। और हमने ना एक ऑटो बुला लिया था, उसके साथ में दो तीन लोग ना सामान उठाने वाले भी आ गए थे, क्योंकि हैवी जो सामान, वैसे तो हमारा ज़्यादा था नहीं, बट जो हैवी सामान था वो ऊपर से नीचे तक लेके जाना बहुत मुश्किल था अकेले राज के लिए, वो कैसे लेके जाते ना, तो हम लोगों ने उनको कर लिया था। तो उन लोगों ने ही जितने भी हमारा बड़ा बड़ा सामान था, जैसे बेड हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इस टाइप की चीज़ें उनसे ही हमने उतरवा ली थी, तो वो आसान हो गया। एक्चुअली हमारे क्या है, यहाँ पे ना सीढ़ियों के ऊपर दो पिलर बने हैं, तो उससे सामान उतारना ना बहुत मुश्किल होता है, तो वो ऐसे करके ना ऊपर चढ़ा के लेके जाना पड़ता है। तो यार अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते हैं, ऊपर के फ्लोर्स पे रहते हैं ना, तो यही मुश्किल आती है सामान को उतारने ले जाने में, ना बहुत मुश्किल आती है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर किराए के घर में रह रही हो ना, तो मिनिमम सामान हो यार, क्योंकि शिफ्टिंग में ना बहुत सामान का नुकसान भी होता है और प्रॉब्लम भी हो जाती है यार, मतलब बहुत पेनफुल है शिफ्टिंग, मैं लिटरली बोलूँगी यार शिफ्टिंग करना बहुत पेनफुल है। बट जो करते हैं या जो मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, जो किराए के घर पर रहते हैं, कि करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं, कई बार कोई भी रीज़न हो सकता है, बट कौन चाहता है यार, हर किसी को पसंद है एक जगह पे रह के सिंपल जीवन जीना, बट हमारी मजबूरी होती है कि हमें करना पड़ता है। हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता कि वो एक ही जगह पे मज़े से रह लें, करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। आई होप जो भी लोग किराए पे रहते हैं या शिफ्ट करते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते होंगे कि ये प्रोसेस जो है ना, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है। जी ये घर फाइनली सारा आप देखो खाली कर दिया है हमने, सारे रूम्स जो हो गए हैं वो खाली हो गए हैं, तो अब बस यहाँ से सब वाइंड अप कर दिया, अब हम उस घर में जाएंगे। अभी तो वहाँ जाके सामान पटक देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा आराम से देखेंगे कि कैसे करना है क्या। अभी बस यहाँ से सारा सामान देखो खाली, एक बार आपको लास्ट टाइम दिखाती हूँ। हाँ बस बाय बाय कर दे, सब खाली। ये पानी की बोतल ले ली हुई, ये देखो ये सब खाली कर दिया है, सब खाली हो गया, ये सब खाली, सब खाली, सब खाली कर दिया, सब खाली हो गया। जी हम लोग नए घर में आ गए और हमारी हो गई हालत बुरी, हम लोग क्योंकि हमने आधा सामान खोला, आधा भी खोला रह गया है, और हालत इतनी बुरी हो गई है वजह के, तो पेट में भी दर्द स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं, बस थोड़ा सा सामान लगाया, अभी थोड़ा रहता है, इसको कंटिन्यू क्या बोलती है, ये ब्लॉग दूसरा पार्ट में आएगा आगे का, इसको कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सेकेंड पार्ट। तो ये व्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में, हाँ इसका आगे टू पार्ट में रिलीज करेंगे, इसको हम दो पार्ट में रिलीज करेंगे। फिलहाल के लिए बाय, अब नहीं जाऊँ ना सिर्फ स्कूल में, अब बेटा कहाँ जा